वेलकम बैक क्लास। अब बेटा फोर्थ एंड द लास्ट सम में हम एंटर कर रहे हैं ऑन द सेम पैटर्न, दैट इज वेयर वन एंगल का मेजर इज गिवन एंड द रिमेनिंग थ्री आर टू बी फाउंड। सो नाउ सिट स्ट्रेट एंड सी। अब आपको बेटा यहां पर एक एंगल का मेजर दिया है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई हैव गिवन इट अ सिंबल। तो आप सब जानते हो स्टैंडर्ड सिक्स्थ से आई हैव केप्ट ऑन रिपीटिंग कि ये जो सिंबल है बेटा, दिस सिंबल मींस राइट एंगल एंड राइट एंगल मींस 90 डिग्री। तो जहां पर ये सिंबल होता है ना बेटा, वहां पर 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि वो 90 डिग्री ही उसका मतलब होगा। सो वंस अगेन वन एंगल इज गिवन टू अस, सो लेट अस राइट गिवन। गिवन विल बी मेजर एंगल एल ओ एस is equals to 90 degree. Leave a line and write find. Find के अंदर बेटा आप वो तीनों क्वेश्चन मार्क वाले एंगल लिख दोगे as per the order. First, L O N next N O I next I O S correct। और अब let us begin। सबसे पहला हमें लीनियर पेयर बनाना है, तो आपको याद रखना है जो एंगल हमें गिवन है ना बेटा, उसके साथ एक एंगल को जोड़कर लीनियर पेयर बनना चाहिए। सो नाउ यू कैन मेक आइदर दिस, आप देखो तो ये दो एंगल भी जॉइन होकर लीनियर पेयर बनते हैं, और यू कैन मेक दिस, these two angles are also joining and they form a linear pair. Since वो 90 degree है बेटा, तो आपको डरने की तो कोई बात ही नहीं है, all will be having the same measure. So सबसे पहले हम लिखेंगे property, and the property is angles in a linear pair are supplementary angles. तो कौन से दो angle को हम add कर रहे हैं या joint कर रहे हैं? L O S with L O N, या तो आप इन दो को ज्वाइन कर दो या तो आप L O S और I O S इन दो को ज्वाइन कर दो। Anyhow, the pair answer will remain the same. So let us take this one. That is major angle L O S plus major angle SOI is equal to supplementary means 180 degree. Now substitute the value LOS. LOS is having this right angle symbol, so we will write here 90 degree plus SOI will be copied down, कि हमें नहीं पता इसका मेजर क्या है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन पॉजिटिव 90 लेफ्ट में चला जाएगा एंड इट विल बिकम नेगेटिव 90। सो योर नेक्स्ट स्टेप विल बी मेजर एंगल एस ओ आई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। From left it has went to right, from positive it has become negative. Measure angle SOI is equals to 180 degree minus 90 degree, answer will be 90 degree.
सो एस ओ आई की जगह पर बेटा नाउ वी विल पुट द सिंबल ऑफ 90 डिग्री करेक्ट। अब आपके पास दो एंगल का मेजर फाइंड कर लिया है, या यू कहें तो एक गिवन है, एक हमने फाइंड कर लिया और रिमेनिंग टू को ढूंढना है। तो सेम टू लाइंस आर गेटिंग इंटरसेक्टेड एट पॉइंट ओ, वी गेट फोर डिफरेंट एंगल्स 1, 2, 3, 4। तो ऐसा फिगर बन जाता है आपका वर्टिकली ऑपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स। सो हमने प्रॉपर्टी लिखी वर्टिकली ऑपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन लीव अ लाइन सॉल्यूशन एज पर द प्रॉपर्टी। सबसे पहला एंगल है LOS, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इट। मेजर एंगल LOS इज इक्वल्स टू मेजर एंगल LOS, LOS, करेक्ट। ये बेटा आप देखो इस तरफ है, दैट इज ऑन योर राइट हैंड साइड टॉप। सो अब राइट का अपोजिट हो जाएगा लेफ्ट और ये बॉटम में, दैट इज N O I, दिस एंगल एंड इट विल बी ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट बेटा हमने फाइंड किया था एस ओ आई, सो वी विल राइट मेजर एंगल एस ओ आई इज इक्वल टू एस ओ आई, एस ओ आई दिस, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा एल ओ एन, सो वी विल राइट हियर मेजर एंगल एल ओ एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बेटा एक लाइन लीव करके फाइनल आंसर कॉपी ऑल द थ्री एंगल्स, मेजर एंगल एल ओ एन विच इज 90 डिग्री, मेजर एंगल एन ओ आई, एन ओ आई this is also 90 degree, and major angle IOS, major angle IOS, this is also 90 degree, clear? So by this method, हम लोगों ने four sums based on linear pair and vertically opposite angle in a mixed form में complete कर दिए हैं। अब बेटा इसके आगे दो प्रॉपर्टीज और बचती है इस चैप्टर में, एक स्टैंडर्ड सिक्स्थ की प्रॉपर्टी रिपीट हुई है और एक सेवेंथ की न्यू प्रॉपर्टी है, या यूं कहूं तो आप इन शॉर्ट दोनों प्रॉपर्टीज को सिक्स्थ से ही जानते हो, सो वी विल लुक इनटू इट। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड मेक श्योर दैट व्हाइल द एक्सप्लेनेशन इज ऑन नन ऑफ यू विल राइट एनीथिंग, just pay attention to what is being explained. Clear? Thank you.